अभी आपने नाम लिया है जिस स्मृति ईरानी का, आज इनका दूसरा नाम आजकल सिलेंड्रेला हो गया है। सिलेंड्रेला, सिलेंड्रेला एक औरत हो के वो कैसे चुप रह सकती है, हमें ये समझ नहीं आता। हमने जब वो वीडियो देखी तो हमें नींद नहीं आई वो वीडियो देख करके। इस तरह की वीडियो थी कि ना केवल उनको सिर्फ नंगा करके घुमाया गया, उनके साथ रेप किया गया, उनके उनके प्राइवेट पार्ट्स स्तन पर और प्राइवेट पार्ट्स पर उनके मतलब पब्लिक के बीच में हम बयान नहीं कर सकते कि मतलब प्राइवेट पार्ट्स तक को चलते चलते उसको ऑपरेट करवा रहे हैं, उनको हाथ लगा रहे हैं, उनको छू रहे हैं गंदे तरीके से। कैसे एक औरत चुप रह सकती है? एक औरत के नाम पे धब्बा है स्मृति ईरानी जी, जो ऐसी हरकत पर भी नहीं मुंह खोल सकती है। 3 महीने से एक प्रदेश जल रहा था और प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले, तब तक कुछ नहीं बोले जब तक कि वो दो बेटियों को जिनको निर्वस्त करके घुमाया गया था तब तक वो वीडियो वायरल नहीं हुआ। और 8.5 मिनट में 36 सेकंड बोले, 3 महीने लग गए 36 सेकंड बोलने के लिए भी, और उसमें भी सिर्फ इतना बोले कि मुझे बहुत पीड़ा है। गांधी परिवार के बच्चों को विदेशी बता देती हैं, मुसलमान बता देती हैं, जब भी मुंह खोलती हैं सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के खिलाफ ही मुंह खोलती हैं। आज तक उन्होंने महिलाओं के हक के लिए कोई बात नहीं की है। महिला की बॉडी को एक वेपन की तरह भी बोला है कि वेपन की तरह भी दर्शाने की कोशिश की है। इतनी गंदी मानसिकता इन लोगों की है। देश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि ऐसी एक घटना नहीं हुई है, ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो कि आप अभी भी वहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए हो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं, मौन सत्याग्रह कांग्रेस की तरफ से आज हुआ है, हमारे साथ नेहा खान है, इनसे हम बात करते हैं। मैम किस तरह से देखती हैं मौन सत्याग्रह की, क्या ज़रूरत है? देखिए ज़रूरत तो आज बहुत सी चीज़ों की है, लेकिन हम लोग इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सत्याग्रह कर सकते हैं, ज़मीन पर आ कर के लड़ सकते हैं लोगों की, अपने देश के लोगों की आवाज़ के लिए और संविधान के लिए, इस देश की खुशहाली के लिए, वही सब हम लोग कर रहे हैं। बीते दिनों जो कुछ हुआ है आपने देखा होगा कि 3 महीने से एक प्रदेश जल रहा था और प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले, तब तक कुछ नहीं बोले जब तक कि वो दो बेटियों को जिनको निर्वस्त करके घुमाया गया था तब तक वो वीडियो वायरल नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं मैं ये भी कह सकती हूँ दावे के साथ कि इसलिए भी बोले कि जो इंडिया अलायंस हुआ है उससे भी कहीं ना कहीं बौखलाहट हुई है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी को आकर के बोलना पड़ा। और सिर्फ 8 मिनट 25 सेकंड की स्पीच में सिर्फ 36 सेकंड बोले, जब सदन की मॉनसून सत्र शुरू हो रहा था। ये भी आप देखिए कि कितना बोले, मजबूरी में बोले, लेकिन 8.5 मिनट में 36 सेकंड बोले, 3 महीने लग गए 36 सेकंड बोलने के लिए भी, और उसमें भी सिर्फ इतना बोले कि मुझे बहुत पीड़ा है। पहली बात तो आपके बोलने से कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, और दूसरी बात आप तो बोलते भी नहीं है जब आपको बोलने की ज़रूरत होती है। आप तो लोगों से शांति की अपील भी नहीं कर सकते कि लोगों को शांति की अपील करें या सांत्वना दें या उनसे जाके वहाँ मिलें। सैर सपाटा करने में लगे हुए हैं, अपनी राजनीतिक रैलियाँ करने में लगे हुए हैं, राजनीतिक सभा करने में लगे हुए हैं, विदेशों में घूमने लगे हुए हैं, लेकिन उस प्रदेश में क्या वो प्रदेश चाइना में लगता है? क्या वो प्रदेश इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या वो जो लोग मर रहे हैं वो इस देश के नागरिक नहीं है? वो बेटियाँ इस देश की बेटियाँ नहीं है? नहीं दिखाई देता। आपने देखा होगा द टेलीग्राफ ने एक न्यूज़ लगाई थी बहुत बेबाकी के साथ। तो यही सब चीज़ें हैं। पर ये जब वीडियो सामने आता है उससे पहले ही राहुल गांधी वहाँ जाने का प्रयास करते हैं, पहुँचते हैं, लेकिन परमिशन में दिक्कत आती है। फिर इधर से जो है स्मृति ईरानी उन्हें घेरने की कोशिश करती हैं, बदनाम वाली छवि का टैग लगाती हैं, किस तरह से? देखिए अभी आपने नाम लिया है जिस स्मृति ईरानी का, आज इनका दूसरा नाम आजकल सिलेंड्रेला हो गया है। क्या सिलेंड्रेला? ये कहाँ से नाम है? ये वो जब विपक्ष में थी कांग्रेस सरकार थी तो वो सिलेंडर लेकर के रोड पे आकर के जो ड्रामा करती थी। तो अभी सिलेंडर की महंगाई के रूप में जब लोग देखते हैं तो सीधा स्मृति ईरानी जी का ही चेहरा आता है। जितना उनका साइज है उस हिसाब से जो सिलेंडर का भी दाम बढ़ गया है, तो उस हिसाब से वो उसका वो हो गई है एक तरीके से। और रही बात उनके बोलने की, तो वो एक महिला हो करके उन पता नहीं उनकी अंतरात्मा अंदर से उनको घटोचती नहीं है जो सब हो रहा है। एक एक औरत हो के वो कैसे चुप रह सकती है हमें ये समझ नहीं आता। हमने जब वो वीडियो देखी तो हमें नींद नहीं आई वो वीडियो देख करके। इस तरह की वीडियो थी कि ना केवल उनको सिर्फ नंगा करके घुमाया गया, उनके साथ रेप किया गया, उनके उनके प्राइवेट पार्ट्स स्तन पर और प्राइवेट पार्ट्स पर उनके मतलब पब्लिक के बीच में हम बयान नहीं कर सकते कि मतलब
प्राइवेट पार्ट तक को चलते चलते उसको परेड करवा रहे हैं, उनको हाथ लगा रहे हैं, उनको छू रहे हैं गंदे तरीके से। कैसे एक औरत चुप रह सकती है? एक औरत के नाम पे धब्बा है स्मृति ईरानी जी, जो ऐसी हरकत पर भी नहीं मुंह खोल सकती हैं और वहाँ जाके मिल नहीं सकती हैं लोगों से, उसके लिए आवाज़ नहीं उठा सकती हैं। किस बात की मंत्री हैं वो, किस बात की महिला हैं वो? महिला होकर के महिला का दर्द नहीं समझती? शर्म आनी चाहिए, शर्म के मारे डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में स्मृति ईरानी जी को। अगर मुँह खोलती हैं तो सिर्फ इसलिए मुँह खोलती हैं, गांधी परिवार को मुसलमान साबित करने के लिए मुँह खोलती हैं। कभी कहती है कि प्रियंका गांधी ने नमाज पढ़ी है अमेठी में, कभी कहती है कि फिरोज गांधी मुसलमान थे, ये तो विदेशी हैं, उनको गांधी परिवार के बच्चों को विदेशी बता देती हैं, मुसलमान बता देती हैं। जब भी मुंह खोलती हैं सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के खिलाफ ही मुंह खोलती हैं। आज तक उन्होंने महिलाओं के हक के लिए कोई बात नहीं की है, चाहे वो पहलवान बेटी हो, चाहे वो अभी मणिपुर का केस हो या कोई और केस हो, या यूपी में जिंदा माँ बेटियाँ जलाई गई थी, और भी बहुत सारे केस हुए हैं, कभी उन्होंने महिलाओं के लिए आवाज़ नहीं उठाई है। ट्वीट किया तो है, जब उनके आका ने मुंह खोला है 36 सेकंड के लिए, तब आकर के इन्होंने थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है, वो भी थोड़ा सा। यहाँ तक कि आपने टीवी डिबेट्स पर देखा होगा, इनके एक दो फीमेल जो डिबेट में बैठी थी, वक्ता थी, उन्होंने तो महिला की बॉडी को एक वेपन की तरह भी बोला है, कि वेपन की तरह भी दर्शाने की कोशिश की है। इतनी गंदी मानसिकता इन लोगों की है। अच्छा, इससे पहले क्योंकि अभी जब ये वीडियो सामने आ जाता है तो मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसे तो तमाम वीडियो हैं, ऐसे तो ये इससे ज़्यादा बेशर्मी कोई नहीं हो सकती, कि इतना गंदा, इतनी विभत्स घटना का जो ये हुई है, जो वीडियो आया उसके बाद उस देश, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि ऐसी एक घटना नहीं हुई है, ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो कि आप अभी भी वहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए हो और आपकी सरकार भी आपसे इस्तीफा नहीं मांग रही है, कुछ नहीं कर रही है, आप अभी तक कैसे मुख्यमंत्री बने हुए हो? तो अगर वहाँ सैकड़ों ऐसी घटनाएं हुई हैं तो इसका मतलब तो ये है कि वहाँ इंटरनेट बंद था और अभी ठीक तरीके से इंटरनेट चलेगा ही चलेगा, पता न जाने और कितनी वीडियो की हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं, कि ऐसी कितनी वीडियो आएंगी। जिस देश में नारी की पूजा की बात की जाती है, उस देश में आज ये सब देखने को मिल रहा है। इससे बुरा मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा विभत्स और इससे ज़्यादा मन को कटोचने वाली कोई और घटना हो सकती है, कोई और हरकत हो सकती है। अब जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा और पूरे देश की बात करें कि पूरा देश शर्मसार है इस तरह की घटना से, कितनी उम्मीद है? 3 महीने लग गए आपको शर्मसार होने में, 3 महीने के बाद आप शर्मसार हुए हैं? वहाँ मंत्रियों के घर जलाए जा रहे हैं, राज्यसभा सांसदों के घर, सांसदों एमपीओं के घर जलाए जा रहे हैं, बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, बेटियों को मारा जा रहा है, आपने और भी वीडियो देखी होगी कि सड़क पर गोली मारी जा रही है उसको लात मार करके। कितने बच्चों को आपने अनाथ कर दिया है, कितनी औरतों को आपने विधवा कर दिया है, आपके होते हुए ये सब हुआ है, आपकी नाक के नीचे ये हुआ है, प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, 3 महीने बाद आप सिर्फ इतना कहते हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, पीड़ा है। अरे थोड़ी शर्म बचिए तो अभी वहाँ चले जाइए, वहाँ जाके वहाँ का जायजा लीजिए, वहाँ जाके लोगों को संवेदनाएं प्रकट कीजिए वहाँ जा करके, और तुरंत प्रभाव से अभी वहाँ के मुख्यमंत्री से इस्तीफा लीजिए। और अगर आपसे नहीं संभल रहा है, वहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ है नहीं, तो राज्यसभा वो राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? सारी चीज़ें तो आपके हाथ में, पूरा तंत्र तो आपके हाथ में। आपने ब्रजभूषण के खिलाफ कुछ नहीं किया, अभी तक वो संसद बना हुआ है, और राहुल गांधी बार बार अडानी का मुद्दा उठा रहे थे और तमाम तरह के मुद्दे उठा रहे थे, आवाज़ ना उठाएं सदन में, लोगों के सामने बात ना रखें, आपकी पोल ना खोलें, उनकी सदस्यता रद्द कर दी, आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया। अरे अब तो आप खुद इस सरकार में, ये देश आपका है, ये लोग आपके हैं, इनके द्वारा चुन करके आप इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, कम से कम कुछ तो गैरत रखिए प्रधानमंत्री जी, कुछ तो गैरत कीजिए। एक बेटी होने के नाते, राजनीति नहीं, एक इस देश की बेटी हूँ, इस देश की नागरिक बेटी होने के नाते आपसे अपील करती हूँ कि हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि राजनीति, इस विषय पर राजनीति मत कीजिए, राजनीति का विषय नहीं है, 10 साल से आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, अब तो अपनी आँखें खोलिए, और इस जनता ने आपको इस मुकाम तक पहुँचाया, इनके बारे में थोड़ा सोचिए, इन बेटियों के बारे में थोड़ा सोचिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।